रायबरेली एक्सप्रेस खबरें सबसे सबसे। तो चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रायबरेली में जिला कारागार से कल दो कैदी फरार हो गए थे। कैदी कल लेटरिंग की दीवार तोड़कर भागे थे और दोनों बंदियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी खबर और बड़ी कामयाबी मिली है रायबरेली पुलिस को। कल दो कैदी जेल से फरार हुए थे, पुलिस के बाद पुलिस की किकरी हुई थी, लेकिन दोनों बंदियों को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। जिले के तेज तर्रार पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने जेल से भागे दो बंदियों को रायबरेली की सीमा से ही गिरफ्तार किया है। एक बंदी सलोन थाना क्षेत्र का रहने वाला था तो दूसरा बंदी शिवगढ़ थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। तो ये दोनों बंदियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और साफ तौर पर कल से जिस तरह से ये दोनों बंदी जेल की दीवार तोड़कर फरार हुए थे, उसके बाद ये लग रहा था, ये साफ तौर पर कहा जा रहा था कि रायबरेली की पुलिस नाकाम है, लेकिन रायबरेली की पुलिस ने अपनी एक कामयाबी का एक सबूत पेश किया है और जिला कारागार से भागे दोनों कैदियों को गिरफ्तार कर लिया है। रायबरेली के तेज तर्रार अधीक्षक श्लोक कुमार, पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने दोनों कैदियों को गिरफ्तार करके साबित कर दिया कि रायबरेली की पुलिस तेज तर्रार है। कहीं ना कहीं लगातार इस पीछे देखा गया है कि रायबरेली का नाम मुख्यालयों से लगातार जारी हो रहे हैं। कई ऐसे पत्र जारी हुए जिनमें रायबरेली का जिक्र हुआ, आखिर क्या कारण था उससे आपको तारुफ कराऊंगा। रायबरेली में बचत भवन में एक मीटिंग होती है, जिस मीट अर्चना वंदना करनी चाहिए।